क्योंकि लोकतंत्र में जब भी किसी पार्टी की दादागिरी और गुंडागिरी इसी प्रकार से चलती है, अपनी क्षति आम जन की होती है। और बंगाल के अंदर इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं लगातार देखने सुनने को मिल रही है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ममता दीदी की टीएमसी सरकार यहां के आम जन के मुंह पे ताला लगाना चाहती है, और इसलिए कोई भी कार्यक्रम उन क्षेत्रों में नहीं होने देना चाहती। कल के रोड शो के माध्यम से पब्लिक की अभिव्यक्ति इस रूप में सामने आई है, मैं आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, जिन्होंने तमाम प्रतिरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए रोड शो में उपस्थित रहे। उस रोड शो को उन्होंने स्वयं नेतृत्व किया और भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं जो बंगाल में इस अराजक और तानाशाही पूर्ण सरकार की उस हर अलोकतांत्रिक अमर्यादित और अराजक गतिविधियों और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की प्रवृत्ति का मुकाबला करते हुए लगातार बंगाल के अंदर लोकतंत्र की स्थापना के लिए और भारतीय जनता पार्टी की ध्वजा को लोक कल्याणकारी अभियान और बंगाल के विजय के लिए बंगाल में एक बेहतर विकास और सुशासन की स्थापना की जा सके, इस दृष्टि से वे निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन सभी कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन यह तय है कि बंगाल में अपनी हार की हताशा और निराशा को ममता दीदी की टीएमसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रमों में बाधा पैदा करके, परमिशन विड्रॉ करके और अन्य प्रकार से इन कार्यक्रमों में व्यवधान पैदा करके वह अपनी खींच को उतारने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन छह चरणों के चुनाव के बाद सातवां चरण का चुनाव 19 मई को है और 19 मई को लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए टीएमसी सरकार को जनता को अपना जवाब जोरदार तरीके से देना चाहिए। जोरदार तरीका लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से देश के विकास के लिए, सुशासन के लिए और राष्ट्रवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके इस प्रकार के राजक और लोकतांत्रिक गतिविधियों को पूरी तरह लगाम लगाने की कार्रवाई जनता को करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूँ।